रायगढ़ में प्रदेश लिपिक वर्ग सरकारी कर्मचारी संघ के कार्यकर्ताओं ने लिपिकों के वेतनमान सुधार कर विसंगति दूर करने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रांतीय सचिव ने बताया 17 फरवरी 2019 को लिपिक वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल ने लिपिकों के वेतनमान सुधार कर वेतन विसंगति दूर करने की घोषणा की, लेकिन घोषणा के 3 साल बीत जाने के बाद भी वादा पूरा नहीं किया गया। वहीं लिपिकों ने मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। लिपिक वेतन विसंगति की मांग है हमारी, और कांग्रेस सरकार बनने के बाद 17 फरवरी 2019 को भूपेश बघेल जी ने घोषणा किया था वेतनमान सुधार, और सत्यम खेत का विषय है कि अब सरकार के एक ही वर्ष बचे हैं, उसके बावजूद भी हमारी एक छोटी सी मांग को जो उन्होंने खुद हमारे लिपिक महाधिवेशन के मंच पर घोषणा किया था उसको पूर्ण करने की ओर ध्यान नहीं लगा रहे हैं वो। और यह जो है तीसरी मर्तबा है हम दे रहे हैं, हर वर्ष 17 फरवरी को वादा निभाओ रैली के रूप में आज ये तीसरा वर्ष हो गया, और बहुत ही मतलब ये छोटा सा मांग, बहुत ज़्यादा उसमें फर्क नहीं है, शासन को विशेष उसमें व्यवहार भी नहीं आना है, लेकिन वो ध्यान नहीं दे रहे हैं हमारे लिपिकों की तरफ। आज पुनः उनको याद दिलाने के लिए ये उनका वादा निभाओ के संबंध